हाय एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको एक फिर से एक नई जगह पे लेके आया हूँ, और जिसे कहते हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लेक्चर का रिजल्ट आउट हो चुका है, और मैंने सोचा क्यों ना अब अपने जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नई मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब मैं इन जंगलों से गुजर रहा था तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर में अमेरिकन लिटरेरी पोइट की याद आई, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानो जिंदा हो गए। और मुझे लगा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड ये फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि इस समय जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, मुझे पता है कि आप लोगों में से दो तीन तरीके के लोग हैं। नंबर एक, वो लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा एक या दो नंबर से हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रह जा रहा है, तो इस बार मैं एक और ट्राई देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4-5 साल होंगे और जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीएड के लास्ट ईयर में होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हमें ये अटेम्प्ट करें या ना करें। तो मैंने सोचा कि ये कन्फ्यूजन्स कुछ आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, सो आई मस्ट गो एंड अमंग यू आई मस्ट शेयर समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो अभी आप जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने पूरे 75 लोगों को सिलेक्शन दिलवाया है, और अभी नेट का एक बैच चल रहा है, और एलटी में हमारे मोर देन 52 उत्तराखंड में हमने स्वीप किया है, एंड मोर देन 22 इसमें किया है लेक्चरर में। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेके आया हूँ कि जो सारे लोगों के एक कॉमन क्वेश्चन को जवाब देगी कि वैन शुड आई प्रिपेयर एंड वैन शुड वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो एग्ज़ाम है वो जब भी आए, लेकिन आपकी पूरी तैयारी एग्ज़ाम से पहले 6 to 7 months हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो है मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं एक नंबर से रह रहा हूँ या दो नंबर से रह रहा हूँ बार बार, तो याद रखिएगा वो लोग अगर अपने पास को देखें तो बार बार एक या दो नंबर से ही रह रहे हैं। तो ये कहने को एक या दो नंबर होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है एक टेक्निकल एक सिनेरियो काम करता है कि हम वो एक या दो नंबर से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास एक आर्ट नहीं है कि व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू अडॉप्ट। तो हम लोगों ने स्किपिंग क्या करनी है, हाउ टू डिफरेंशिएट, देयर इज़ ए फाइन लाइन बिटवीन नेट लिटरेचर एंड एलटी। तो मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट करूँ, नंबर एक ये आर्ट है, इसके लिए एक मेंटर और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये एक या दो नंबर कभी तीन बनते हैं, कभी चार या कभी एक, और ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। और जो लोग अभी कुछ कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं ये ज्वाइन करूं ना करूं या प्रिपरेशन करूं ना करूं, उनके लिए बता दूं कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो 6-7 months प्रिपरेशन के लिए दें। जो पहले से कर रहे हैं वो तो तब भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा 6 to 7 months इसको देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये आता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने लिटरेचर में बहुत अच्छी कमांड कर ली है, लेकिन लिटरेचर में कमांड करने से कुछ नहीं होता। यू नो देयर इज़ ए सीक्वेंस एंड वो अमलगमेशन है। तो अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग और ग्रामर इन सब में नहीं हुआ कमांड, तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है। तो एक बैलेंस व्यू चाहिए, और जो खासकर लेक्चरर का पेपर है उसमें जो ऑथर हैं उन ऑथर्स की डिटेलिंग में एक बहुत ही माइन्यूट जो आपको कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, वो वाला जो है पूरा एक तरीका चाहिए प्रिपरेशन का। ठीक उसी तरीके से एलटी वालों के सिलेबस को, जो कि एक बहुत छोटा सा दिखता है, एक बहुत वास्ट नज़रिया चाहिए कि इतने बड़े सी ऑफ लिटरेचर में किसको छोड़ा जाए और किस राइटर को कितना पढ़ा जाए, कौन सी बुक पे फोकस किया जाए और किस तरीके से रिवीजन किया जाए। तो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली इंक्लूड ए लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इसलिए मैं आपके पास आया था। तो थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।